हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल क्रिएटिविटी फॉर योर वे बाय शालिनी। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आज के तमरीन में आपने देख ही लिया है, आज हम केटल पेंटिंग करेंगे। इसके लिए हम जो हमारे पास ये टी वाली केटल होती है, हम उस पर करेंगे। आप किसी भी चीज़ पर कर सकते हो, ये ऐसा नहीं है हम इसी पर कर सकते हैं। बस हम इसे किसी भी तरह के यूटेंसिल पे कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है, जब हम किसी भी यूटेंसिल पर करेंगे तो हमें इसे बेस कोट देनी होगी जैसो के साथ में। मैं यहाँ पे जैसो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वाइट कलर में हल्का सा चौक मिट्टी पाउडर मिक्स करके उसे भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी सेम प्रोसेस जैसो वाला ही करेगा। तो इसके लिए हमें मेन है कि बस हमें बेस कोट बहुत ज़रूरी है देना। और फिर जब हम मेन कोट करेंगे, मेन कोट के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर को अप्लाई कर रही हूँ। आप किसी भी कलर का यूज कर सकते हो। जो हमारी मेन कोट है उसकी भी हम यहाँ पे टू कोट्स करेंगे, उसके बाद में ही हम इस पर पेंटिंग करेंगे। क्योंकि सिंगल कोट में ये रहता है, कभी कभी जो कलर है वो उतर जाता है, बट डबल कोट जब हम करते हैं तो डबल कोट से कलर सिक्योर हो जाता है और वो उतरता नहीं है। यहाँ पे मैंने केटल के ढक्कन और जो केटल का नीचे वाला पार्ट है उस पर मास्किंग टेप लगाकर तब उन्हें डिवाइड किया है। मास्किंग टेप से होता क्या है, मास्किंग टेप से हम इसे डिवाइड अच्छे से कर सकते हैं। कलर हमारा एक सीक्वेंस में रहता है और जब हमारा ये कलर ड्राई हो जाएगा, कलर ड्राई होने के लिए हम इसे 12 आवर्स का टाइम देंगे, उसके बाद ही हम इस पर पेंटिंग करेंगे। क्योंकि एक्रेलिक कलर है जो उसे हम अगर जितना ड्राई होने देंगे उतना बेस्ट रहता है। उसके बाद हमारी ये रहता है कि कलर हमारा जब हम इस पर किसी भी चीज़ को ड्रॉ करेंगे पेंसिल की हेल्प से या किसी भी चीज़ से, तो वो उतरेगा नहीं। और फिर मैंने यहाँ पे पेंसिल की हेल्प से फ्री हैंड ड्रॉ किया है। एक लेडी और एक मैन, पंजाबी लेडी और मैन ड्रॉ किया है। आप इस पर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। और उसके बाद में फिर हम इस पर कलरिंग पार्ट करेंगे। कलरिंग के लिए मैंने दोनों साइड में डिफरेंट डिफरेंट फिगर बनाई हैं, एक बैठी हुई एक डांस करती हुई। तो जब हम इस पर कलर करेंगे, कलरिंग के लिए मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन और पिंक कलर का यूज किया है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर का यूज कर सकते हो। और साथ में मैंने एक चारपाई भी बनाई है। और चारपाई बनाने के बाद में जो सेकंड साइड है, दूसरी साइड पर हमने कुछ जो तोरण होते हैं वो बनाए हैं और साथ में बैठी हुई लेडी और मैन बनाए हैं। उसके बाद में ही हम इस पर कलर करेंगे। फिर जब हम इन पर कलर कर देंगे तो कलर करने के बाद में हम इसमें स्किन कलर का यूज़ करेंगे। स्किन कलर के लिए मैं हमेशा स्किन कलर को अपने आप से ही बनाती हूँ। येलो, रेड, हल्का सा वाइट कलर और देन ब्राउन कलर, उन्हें सबको हल्का हल्का सा मिक्स करती हूँ और फिर उसके बाद में वो स्किन कलर बनाती हूँ। स्किन कलर को हम फेस पर, हैंड्स पर और लेग पर करेंगे। फिर उसके बाद में जो चारपाई है, चारपाई के लिए भी हम इसी कलर को यूज करेंगे। उसमें बस हल्का सा हम ब्राउन कलर को डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद में जब हम चारपाई पे इसे कर लेंगे तो उसके बाद हम इनकी आउटलाइन करेंगे। और हेयर्स में, सबके हेयर्स में हम ब्लैक कलर का यूज करेंगे। और जब हम इनकी आउटलाइन करेंगे तो इससे इनकी जो फिगर है वो उभर कर आएगी। और जो मैन की मुस्टेच है, मुस्टेच के लिए भी हम ब्लैक कलर से ही इन्हें आउटलाइन करेंगे। देन उसके बाद जब इनकी आउटलाइन हो जाएगी, जो हमने फिगर बनाए हैं, फिर उनकी जो ड्रेसेस है, ड्रेसेस को हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट मीनिंग जो ये डांस करती हुई लेडी एंड मैन है, इनके ड्रेसेस में हल्की हल्की सी शेडिंग पार्ट करेंगे। शेडिंग पार्ट से उनकी जो ड्रेसेस है वो अच्छी लगेगी। और जो बैठे हुए मैन और वुमन हैं, उनके ड्रेसेस में हम फ्लावर्स बनाएंगे। तो उससे ये इनकी ड्रेसेस है जो, वो ड्रेसेस काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो जाएगी। और उसके बाद में हम जो इनकी बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स को भी आउटलाइन करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 0 नंबर का ब्रश लिया है। 0 नंबर के ब्रश से जो आउटलाइन है वो बड़े अच्छे से हो जाती है। और जो केटल का माउथ पार्ट है, जो केटल का आगे वाला पार्ट है, उस पर हम पोल्का डॉट्स वाला डिज़ाइन बनाएंगे। और पोल्का डॉट्स बनाने के बाद में
जो ऊपर हैंडल है, हैंडल पर हम फ्लावर वाला डिजाइन बनाएंगे। और केटल के ढक्कन के लिए भी हम ऊपर पोल्का डॉट्स एंड जो नीचे थोड़ा सा ढक्कन आता है उस पर हम लाइनिंग करेंगे, जो एक क्रॉस लाइनिंग होती है वो वाला डिजाइन बनाएंगे। फिर इसके बाद में जो नीचे इसमें हमने कार्ड बनाई है, कार्ड के लिए भी हम चेक वाला नीचे की साइड में चेक वाला डिजाइन करेंगे। और जो व्हील है, व्हील को हम आउटलाइन करके इसे छोड़ देंगे। जब हमारी केटल कंप्लीट आउटलाइन हो जाएगी तो उसके आउटलाइन होने के बाद में हम इसके जो फीचर्स हैं, मतलब इसमें जो जो हमने फिगर बनाई है उनके फीचर्स हैं, उन्हें हाईलाइट करेंगे। उन्हें हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर लिप्स के लिए रेड कलर और आईज़ और नोज़ के लिए ब्लैक कलर का यूज करूँगी। और फिर जो हमारी जो लेडी फिगर है, लेडी फिगर के लिए हम ज्वेलरी बनाएंगे। ज्वेलरी के लिए मैं यहाँ पर गोल्डन एक्रेलिक कलर का यूज करूँगी। आप इसमें येलो कलर का भी यूज कर सकते हो, जो क्रोम येलो कलर आता है उस कलर का भी यूज कर सकते हो। और जो मैन है, मैन की जो बॉटम है, बॉटम को हाईलाइट करेंगे हम। इसमें थोड़ा हल्का हल्का सा डिजाइनिंग पार्ट करेंगे। डिजाइनिंग के लिए जो नीचे की साइड में ब्लैक कलर से करेंगे और ऊपर की साइड में येलो कलर से करेंगे। जब हमारी ये केटल कंप्लीट हो जाएगी तो हम इस पर क्राफ्ट वर्निश को अप्लाई करेंगे, जिससे सिक्योर हो जाए। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू आर्टिकल के साथ। बाय बाय एवरीवन।